महाविकास आघाड़ी में अल्पसंख्यकों की उपेक्षा पर बवाल, मनपा चुनाव में भारी पड़ेगी मुस्लिम समाज की नाराजगी। सेकुलरिज्म का झंडा पार्टी के विचारों को जिंदा रखने का काम हमने किया। कहा कि विनर वोट जो है वो माइनॉरिटी के है। अब मैं नसीम अनवर हवलदार, इनको जो आज उनके लिए हम महिला वार्ड होने की वजह से टिकट मांग रहे, वो हर काम में मेरे साथ में थी। सेक्युलर पार्टियों का वोट बैंक कहलाने वाला मुस्लिम समाज आज नहीं भाई मनपा चुनाव में उपेक्षित दिख रहा है। बीजेपी जहां अपने एजेंडे के विरुद्ध जाकर चार मुस्लिम चेहरों को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है, वहीं मुस्लिमों का हमदर्द कहलाने वाली कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियां अल्पसंख्यक समाज को दरकिनार करती दिख रही हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के जिलाध्यक्ष अनवर हवलदार इसकी पुष्टि करते हुए बताते हैं कि नवम्बई के 15 इलाके अल्पसंख्यक बहुल हैं, लेकिन वहां भी कांग्रेस और एनसीपी दोनों ही पार्टियां मुस्लिम चेहरा घोषित करने को तैयार नहीं है। हिंदुत्व का समर्थन करने वाली शिवसेना से अपेक्षा कम है, ऐसे में अल्पसंख्यक समाज नाराज है। अनवर हवलदार ने सवाल उठाया कि जहां मेजॉरिटी में अल्पसंख्यक हैं वहां कैंडिडेट देने में भला हर्ज क्या है। उन्होंने कहा कि सेक्युलर पार्टियों के इस रवैये से मुस्लिम समाज नाराज है, जिसका असर चुनाव में पड़ सकता है। सबसे पहले मैं TV1 इंडिया और पर्सनली आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने, आपके चैनल ने कम से कम नई मुंबई के माइनॉरिटी की सूद ली। आज तक के जिनको जो माइनॉरिटी को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, भले वो मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, दलित हो, बौद्ध हो, ये देखा गया है यहाँ पर कि भले किसी भी पार्टी की हो, निगलेक्ट तो बिल्कुल किया गया है। सिर्फ मुसलमानों की अगर बात करेंगे तो 2.25 लाख पॉपुलेशन है, इनके 85,000 वोटर हैं पूरे नई मुंबई के अंदर, लेकिन उनके वोट और पॉपुलेशन के हिसाब से या माइनॉरिटी के वोट और पॉपुलेशन के हिसाब से उनको कहीं भी किसी भी पार्टी ने प्रतिनिधित्व नहीं दिया। माइनॉरिटी को उनके जहां लोग हैं, उनके जहां वोटर है, वहां से अगर आप टिकट नहीं दोगे तो कहां से दोगे, वो कहां से चुन के आएंगे। गौरतलब है कि 16 लाख की आबादी वाली नई मुंबई में 2.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। आबादी के लिहाज से पूर्व मंत्री गणेश नाइक का गांव खैरने बोनकोड़े पहले नंबर पर, नेरुल का दारावे गांव दूसरे नंबर पर, जबकि बेलापुर का शाहबाज गांव तीसरे नंबर पर है। सीउड दारावे का प्रभाग 92 भी इसी में से एक है, जहां 3800 मुस्लिम वोटर्स हैं, इसीलिए यहां अल्पसंख्यक उम्मीदवार की मांग चल रही है। लेकिन यहाँ बीजेपी नेता गणेश नाइक को छोड़कर एनसीपी में घर वापसी करने वाले सलूजा संदीप सुतार को महाअघाड़ी टिकट देने वाली है, ऐसे में अल्पसंख्यक उम्मीदवार का पत्ता कटना तय है। हालांकि अनवर हवलदार को भरोसा है कि उनकी पार्टी कांग्रेस ने जो वादा किया है उसे निभाएगी और मुस्लिम समाज का ही प्रत्याशी फाइनल करेगी। नई मुंबई के अंदर कम से कम कांग्रेस की तरफ से महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के लिए, माइनॉरिटी कांग्रेस के लिए 6 विभाग में उम्मीदवारी दे, जिसके अंदर 42, 55, 54, 72, 88, 92 और 99, ये प्रभाग है जहां हमने मांग की है। और ऐसे 10 प्रभाग है नई मुंबई के अंदर जहां के वोटर जो है वो माइनॉरिटी के वोटर उस सीट को विन करती है। अगर नेरुल के अंदर देखा जाए तो नेरुल में ही 6 सीट ऐसी है कि जहां से माइनॉरिटी के वोटर वोट से यहां पर ये सीटें आती है। हमने नेरुल के अंदर 92 प्रभाग की मांग की है, उसकी वजह यह है सेकंड लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है वो इस वार्ड के अंदर है मतदारों का। इसके लिए हमारी कोशिश चल रही है हमारी पार्टी की तरफ से, और हमको भरोसा है कि हमारे जो नए प्रेसिडेंट आए हैं नाना पटोले, बहुत ही डेसिंग प्रेसिडेंट है और लोगों की, कार्यकर्ताओं की बात सुनने वाले, काफ़ी उम्मीद है कि हमारे, हमें इस बार जो है हर हाल में महाविकास आघाड़ी की तरफ से कम पूरे नई मुंबई के अंदर 2 या 3 जगह पर उम्मीदवारी मिले। फिलहाल मनपा चुनाव में सिर्फ महीने भर बाकी हैं, ऐसे में महाविकास आघाड़ी के दिग्गज नेता सिर्फ अपनी सीट पक्की करने में जुटे हैं। इसमें समर्पित कार्यकर्ता और अल्पसंख्यक समाज बहुत पीछे छूट रहा है। कांग्रेस और एनसीपी दावा जरूर कर रही है कि सबको मौका दिया जाएगा, लेकिन सच ये भी है कि मनपा की 111 सीटों पर अब तक तय किए गए प्रत्याशियों में अल्पसंख्यकों का कहीं नामो निशान तक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट
अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।